अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज एक सत्य घटना पर आधारित है। इस फिल्म में अक्षय कुमार रियल लाइफ हीरो जसवंत सिंह गिल का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए जमीन से लगभग 350 फीट नीचे फंसे हुए 65 खदान मजदूरों की जान बचाई थी। इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों की भीड़ में अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज भी है। जी हां, 2006 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नई तकनीक होने के बावजूद भी 50 फीट नीचे बोरवेल में गिरे प्रिंस को बचाने का अभियान जहां 3 दिन चला था, वही इस घटना से 18 साल पहले 1979 में जसवंत सिंह गिल ने महज 2 दिनों में जमीन में 350 फीट नीचे फंसे 65 मजदूरों की जान बचाई थी। कैप्सूल मैन जसवंत सिंह के किरदार के जरिए अक्षय कुमार ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का नया पहलू हमारे सामने पेश किया है। शुरुआत से लेकर आखिर पल तक ये फिल्म हमें कुर्सी से हिलने नहीं देगी। जहां इस फिल्म को डायरेक्ट किया है टीनू देसाई ने। आपको बता दें कि रुस्तम के बाद ये फिल्म टीनू की अक्षय के साथ दूसरी फिल्म है और इस फिल्म में वो हमें बिल्कुल भी निराश नहीं करते हैं। अगर हम मिशन रानीगंज के निर्देशन की बात करें तो इस फिल्म की कहानी इसके साथ साथ डिटेलिंग भी आपको काफी ज्यादा प्रभावित करेगी। साथ ही फिल्म में 80 के दशक को दिखाने की बेहतरीन कोशिश की गई है। उस समय का माहौल, इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े और उनकी भाषा, इन सभी का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है। ये फिल्म अक्षय कुमार की है और अपनी खुद की सेहत को नजरअंदाज करके जसवंत सिंह का किरदार निभा रहे अक्षय कुमार इस किरदार को बेहद ही खूबसूरती से निभाए हैं। अक्षय कुमार की पत्नी का किरदार निभाने वाली परिणीति चोपड़ा ने भी काफी उम्दा एक्टिंग किया है। उन्हें देखकर सामने वाले को परेशानी हो जाए, इस हद तक की परिणीति चोपड़ा की पॉजिटिव नजर आ रही है। हालांकि इस फिल्म में उन्हें करने लायक कुछ खास मिला नहीं। वही वरुण बड़ौला, कुमुद मिश्रा, रवि किशन, पवन मल्होत्रा और देवेंदु भट्टाचार्य जैसे कलाकार अपने किरदार को पूरी तरह से न्याय देते हैं। म्यूजिक और अगर तकनीक की हम बात कर ले, फिल्म की एडिटिंग की बात कर ले, तो काफी दिलचस्प बनाने वाले महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं इनके। खानदान की डिटेलिंग और अंधेरे में की गई लाइटिंग और खदान बनाकर की गई जो शूटिंग में असीम मिश्रा की सिनेमेटोग्राफी फ्लाइंग कलर पहुंच पाई है, वो बेहद ही खास है, बेहद ही खूबसूरत है। फिल्म में गाने कुछ खास नहीं है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल की है, जिसकी वजह से हर सीन और ज्यादा दिलचस्प बना है। तो क्या आपको ये फिल्म पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।